मुरैना की श्रद्धा ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है, आपको बता दें। और इसके साथ ही उसने अपने जिले का नाम भी रोशन किया है। श्रद्धा के पिता विनोद कुमार अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ए के पाठक ने फोन करके श्रद्धा को बधाई दी। श्रद्धा तोमर के पिता विनोद कुमार एडवोकेट हैं। श्रद्धा की माँ का कहना है कि गाँव में लाइट नहीं थी, टॉर्च का सहारा लेकर बेटी ने पढ़ाई की। श्रद्धा ने बताया कि वो कृषि क्षेत्र में आगे पढ़ाई करके किसानों की मदद करना चाहती है और आगे प्रोफेसर बनना चाहती है। द्वारा आज 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें कृषि संकाय से दतेरा की श्रद्धा तोमर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए हम जानते हैं उनसे किस तरीके की उन्होंने मेहनत की और किस तरीके से आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय दतेरा स्कूल में पढ़ती हूँ। उसमें सारे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं 6 से 7 घंटे घर पर पढ़ती थी और इंग्लिश में कठिनाई थी तो कोचिंग जाती थी। तो इस पढ़ाई में आप घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, कौन कौन सपोर्ट करता था इसमें? बहुत बहुत सपोर्ट रहा घर वालों का, दादाजी, मम्मी पापा। इसका श्रेय किसको देना चाहोगी आप? मम्मी पापा, दादाजी, टीचर, एक टीचर है मेरे। अभी आगे और क्या करने के है, क्या बनना चाहोगी? प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती? जैसे गांव है, गांव में आपको पढ़ाई स्टडी करने में लाइट वाइट की ऐसी कोई समस्या रही हो, किस तरीके से आपने फिर पढ़ाई जारी रखी? लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा तो एग्जाम टाइम पे ही हुई थी, तो मैं पढ़ती थी मैं टॉर्च से, और डिस्चार्ज हो जाती थी तो दीपक से भी पढ़ती थी। और लास्ट एग्जाम था तो उसमें वो नवदेवी होती है ना, नव दुर्गा, तो उसमें मतलब डीजे साउंड वगैरह होता था तो उसके बीच पढ़ना पड़ा था लास्ट एग्जाम में। हमारी साथ श्रद्धा तोमर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि संकाय से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुरैना से अनादि टीवी, विनोद सिंह तोमर।